नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से हाउस बर्गलरी हाउस ब्रेक का एक गैंग थ्री मेंबर गैंग उसका डिटेक्शन हुआ और उसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग अपने स्पेशलाइज टूल से डोर ब्रेक करके घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करते थे और अभी तक उनके पास से 35 तोलास गोल्ड जिसका रफली कीमत 70,50,000 रुपीस है और उसके अलावा 1,25,000 कैश टोटल 18,75,000 रफली का प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुआ। इस ऑपरेशन में जो गैंग लीडर हैं नेनावत विनोद कुमार एलियस अखिलेश कुमार एज 25 यह कार ड्राइवर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ बालाजी नगर मल्लापुर विलेज बालापुर और ओरिजिनली आमंगल का रहने वाला है। बीटेक ड्रॉप आउट इब्राहिम पट्टनम के एक प्राइवेट कॉलेज से और अभी तक इसके ऊपर 49 क्रिमिनल केसेस हैं। इसके अलावा दूसरा गैंग मेंबर कटरावट राजेश एज 25 ऑटो ड्राइवर सईदाबाद हैदराबाद का रहने वाला है और जो तीसरा गैंग मेंबर है शकील रेसिडेंट ऑफ मुगलपुरा जिसके ऊपर एक पीटा एक्ट भी है वो अभी तक एक्सकॉन्डिंग है। 2020 में अभी तक चार मीनार आडी बटला मीरपेट एलबी नगर बालापुर इन सब पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर लगभग 8 केसेस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके ऊपर यह है कि 2014 से 2019 तक इसके ऊपर 3 बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट लगाया गया, 2 बार 2015 और 2019 में हैदराबाद पुलिस की तरफ से और एक बार 2017 में राजकोंडा पुलिस के तरफ से पीडी एक्ट लगाया गया। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर जितेंद्र और ईस्ट जोन के एंड पूरे टास्क फोर्स टीम चार मीनार पुलिस के टीम ने मिलकर ये इतना अच्छा केस डिटेक्ट किया। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे अंदर के एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके लीडरशिप में सिटी पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर के श्रीनिवास जी नरेश कुमार एडिशनल इंस्पेक्टर चार मीनार सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोविंद स्वामी जी श्रीनिवास रेड्डी सी वेंकटेश और ईस्ट जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर मिलकर ये काम किए। आज ऐसे मौके पे मैं मीडिया और प्रेस के हमारे फ्रेटर्निटी भाइयों और बहनों से एक अपील भी करना चाहता हूं, एक हम्बल रिक्वेस्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े शहरों जैसे बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर के कंपैरिजन में हैदराबाद में केमिकल ड्रग्स का केसेस बहुत कम है। ऐसे मौके पे हमारे तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मीडिया और प्रेस को कि इस तरह के केसेस का जो डिटेक्शन होता है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखें, उससे इमेज सिटी का ठीक नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक यंग जनरेशन में ड्रग्स के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस विषय पे ज़्यादा चर्चा नहीं करें। दूसरी चीज़ मैं आज कहना चाहूँगा कि करीब 5 या 6 वीक पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड एम ए श्री के टी आर साहब ने अंदर के नमस्कारम एक रिव्यू मीटिंग लिया था हीरोजु और उस रिव्यू मीटिंग में हैदराबाद सिटी एक डायरेक्शन दिया गया था कि टास्क फोर्स तरफ नुंची होकर सर्वेलेंस कैमरास को हम लोग सिटी में और ज्यादा से ज्यादा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑनरेबल मिनिस्टर के टी आर साहब के डायरेक्शन के मुताबिक इंट्रोगेशन लो हैदराबाद सिटी पुलिस स्पेशल ड्राइव पिछले एक महीने में की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अक्टूबर के महीने में केवल एक महीने में हम लोग 7,000 नेनू सैतम कैमराज लगाए। इसके लिए उन तमाम कंट्रीब्यूटर्स रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स
बिजनेसमैन, प्राइवेट इंडिविजुअल और उन सभी पुलिस ऑफिसर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिनके कलेक्टिव एफर्ट से ये 7000 कैमरास नया लगे हैं हमारे सिटी में। और इसके साथ अब हमारे हैदराबाद शहर में 3,37,000 टोटल कैमरास हो गए हैं, जो कि इंडिया में नंबर वन है और वर्ल्ड में नंबर 16। इसको हम लोग और 1 पॉइंट ऊंचाई और ज्यादा हाइट के तरफ ले जाएंगे। ऐसे मौके पे आज कांस्टेबल ऑफिसर जी बाप जी जो एबिट्स पुलिस स्टेशन विन सिटी का अज़्म हर एक को साहिबे जायदाद बनाना, इसी इरादे से विन सिटी डेवलपर्स बार बार लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विन सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4,00,000 रुपए में नकद या आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विन सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू चंद्रायन गुड।